हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पास्ट लाइफ के कहानी क्या है, आपके कर्मा क्या है और क्या आपके ऊपर कार्मिक दोष है। तो कार्मिक दोष है तो आपको किस तरीका से आपके इसके उपाय करना चाहिए, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। कार्मिक दोष, कर्मा क्या है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ये है ब्लू कलर के लैपिस लाजुली हार्ट, ये है क्रिस्टल्स के रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो, क्लोज आइज करो। पिक अ कार्ड रीडिंग क्या होता है कि आपके सामने में 3, 4, 6, 7, 10 ऑप्शंस दिया जाते हैं या 3 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस दिया जाते हैं। को ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चॉइस करना होती है और वही है आपके पीका कार्ड रीडिंग। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें, जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आपके पीका कार्ड रीडिंग। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। क्लोज योर आइज एंड डू द मेडिटेशन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड चूज वन ऑप्शन। अब जो है ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, US, UK, कैनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी हो आपके लिए है ये रीडिंग। किसी भी तरीका के लोगों के लिए है, जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। तो क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। आपके पास 10 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स में चॉइस कर लो। मैं तब तक प्रेयर कर लेती हूँ। मैंने इंसेंस स्टिक्स भी जला दी हूँ आपके लिए। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट उनके रीडिंग से शुरू करेंगे, या ब्लू कलर के हार्ट उनके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके आपके पास्ट लाइफ के कहानी क्या है, आपके पास्ट लाइफ के कहानी क्या है देखेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे मैं बात करूंगी जिससे आपको पता चले कि आप ही के बारे में ये रीडिंग हो रही है, तो आपको पता चल जाएंगे कि किसके बारे में रीडिंग हो रही है। तो आपके फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DBLK, ये आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। और आपके S भी हो सकते हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। और आपको स्टार्स के साथ एक कनेक्शन फील होती है, आसमान में स्टार्स देखना ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक्स, कई तरीका के वैरायटीज ऑफ कलर के लिपस्टिक्स आप खरीदते हो, आप रखे हुए हो। चॉकलेट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके लिए लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, चाहे आपके छोटे बहन भाई समझ के किसी को प्यार कर रहे हो या किसी को यूं ही प्यार कर रहे हो, तो वो आपके लिए सब कुछ होता है। आपको हॉर्स राइडिंग के शौकीन हो या कभी आप सोचे थे कि हॉर्स राइडिंग करना है या फ्यूचर के प्लान है कि हॉर्स राइडिंग करना है, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी हो सकते हैं। वी एज ए विक्टर, वैसे वी से हो सकता है। आइसक्रीम आप खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रूट डाइट्स में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, खास करके लीची, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, इस तरीका के फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा, बेर, इस तरीका के फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त में आप वाइट या ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप का अटायर, कुर्ता, साड़ी ऐसे कुछ पहने हुए हो, या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर ऐसे कुछ पहने हुए हो। एम से हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। और म्यूज़िक लवर हो, आपको म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी लवर हो, कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपके बारे में सब कुछ। हाँ, आर भी आ रही है मेरे आंखों के सामने के आर नाम से भी आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू हो सकते हैं। अब आपके पास्ट लाइफ के बारे में देखेंगे कि पास्ट लाइफ के बारे में क्या क्या है, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं पास्ट लाइफ के बारे में।
कुछ कार्ड उल्टा है तो मैं इसे थोड़ा आपके पास्ट लाइफ के बारे में मैं देख रही हूँ कि पहले तो आपके पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी शादी जो है बेसिकली आपकी शादी जिनके साथ हुआ था वो आपकी इच्छा से नहीं हुई थी। आपकी शादी बेसिकली किसी ऐसे इंसान के साथ कराया गया था जो मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था, आपके पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार होंगे। और डेफिनेटली आपने शादी के बाद किसी से प्यार करा और वाइफ रहते हुए या हस्बैंड रहते हुए किसी के, तो आपने शादी के बाद किसी से प्यार करा और आपके बच्चे थे, फैमिली था और आपके बर्थ हुआ था मिडिल ईस्ट के कंट्री में। मिडिल ईस्ट के जो भी कंट्री है वहाँ पर आपके बर्थ हुई थी और जो टाइम था जो टाइम था वो होंगे आपके मान लो कि ऑलमोस्ट 1700 या 1800 में आपके बर्थ हुए थे, उस बर्थ के बारे में बात किया जा रहा है और शायद वो आपके लास्ट बर्थ था और उसके बाद ये बर्थ है। और उसकी शादी के बाद आपने किसी से प्यार करा जो बेसिकली जिनके सोचने की तरीका और बात करने की तरीका बिल्कुल अलग था और जिनके फेथ और बिलीफ सिस्टम बहुत अलग था और अलग थी करके आपको वो इंसान बहुत पसंद आया कि मुझे ये इंसान एक अलग ढंग के लगे। आपने काफ़ी मटेरियलिस्टिक और लाइफ के ट्रॉमा से गुजरे हो, जब वो इंसान आया तो आपको लगा कि वाओ क्या मतलब अच्छे इंसान आ गया मेरे लाइफ में, अब मेरी लाइफ सुधरने वाला है। और बेसिकली कुछ ऐसे स्टोरी हुआ उस इंसान के साथ जिसके एक्सीडेंट टाइप हुआ या कोई जैसे कि जंगल में जाते हुए कोई एनिमल अटैक हो गए तो वो जो इंसान है वो उनके डेथ हो गए और वो बेसिकली एक ऐसे इंसान था जिसके फेथ सिस्टम अलग था। जैसे मिडिल ईस्ट में कई लोगों के कई तरीका के फेथ सिस्टम होते हैं तो उनके फेथ सिस्टम आपके फेथ सिस्टम एकदम अलग था। लेकिन मैंने देखा कि कोई एनिमल अटैक वगैरह या कोई एक्सीडेंट के वजह से उनके डेथ हुआ और वो नेचर में बिलीव करते थे, जैसे यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना, यूनिवर्स के बारे में बताना। एनिमल लवर्स भी थे तो जो एनिमल्स को प्यार करता था वही उसे अटैक करके ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो है बेसिकली वो एक्सीडेंटल जो उसके डेथ हुआ उसके बाद आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गए आप और आपके बच्चे और हस्बैंड या बच्चे और वाइफ के साथ जीते रहे कुछ साल तक और उसके बाद आपका डेथ हो गई। ये है आपके पास्ट लाइफ की कहानी। तो मैं देखूंगी कि आपके पास्ट लाइफ से क्या कर्मा आप इस लाइफ में लेके आए हो, क्या आपके लवर इस लाइफ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी और क्या उसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, ये मैं कन्फर्म करती हूँ। आपके पास लाइफ में जो आपके स्पाउस थे जिनके साथ आपके एक तरीका से बोला जा सकता है कि ज़बरदस्ती का शादी हुआ था या पेरेंट्स ने शादी करवाए थे या इस तरीका से एक मतलब फोर्सेबल मैरिज था, वो भी इस लाइफ में है और बेसिकली आपके जो पार्टनर है वो भी इस लाइफ में है। तो दोनों हैं और दोनों से ही आप ऑलरेडी मिल चुके हैं और दोनों से ही आपके सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात हो चुका है। तो एक के साथ आपके पास्ट लाइफ के लव रिलेशनशिप के कनेक्शन है जिसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, एक के साथ आपके हस्बैंड एंड वाइफ के आपने जो रिश्ता निभाया वो कनेक्शन है और ये 18 सेंचुरी मतलब लेट 18 सेंचुरी जो था उस दौरान आपके इनके साथ मुलाकात रहा होगा। और डेफिनेटली आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 3/30/21 एंड 12,
4, 22, 31 and 13, 9, 18 and 27, 6, 24 and 15 and 7, 25 and 16 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। और डेफिनेटली आपके दोनों ही लोगों से आप मिल चुके हो, दोनों से ही बात करते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान के साथ आपकी शादी होगी और एक के साथ आपके रिश्ता जो है इस बर्थ में हमेशा के लिए टूट जाएंगे। तो देखते हैं कि किसके साथ आपकी शादी होगी। वो आपके हस्बैंड रह चुके हैं या वाइफ रह चुकी है, मतलब आपके स्पाउस रह चुका है कि नहीं, और क्या आपकी शादी उस इंसान से होंगे जो आपके लवर थे, कई साल तक लवर थे, जिसके आने के बाद आपने लाइफ जीने की कोशिश की, लाइफ को अलग ढंग से देखने की कोशिश की। बेसिकली आपके शादी उसी इंसान के साथ, इधर तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपके शादी उस इंसान के साथ हो चुका है जिस इंसान के साथ आपके लव रिलेशनशिप के कनेक्शन था। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादी उसके साथ होने वाला है जिसके साथ आपके लव के कनेक्शन थे, ना ही के आपके आपके बेसिकली आपके जो बोलते हैं ना कि आपकी शादी कराया गया था, वो भी एक फोर्सेबल मैरिज कराया गया था, उनके साथ आपकी शादी नहीं होने वाला है। आपकी शादी उनके साथ होने वाली है जिसके साथ आपके एक लव कनेक्शन था पास्ट लाइफ में, या आपकी शादी ऑलरेडी उनके साथ हो चुका है अगर आप शादीशुदा हो तो। बट यहाँ पर एक कैच है, कैच मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो या जिसके साथ आपकी शादी होगी, यहाँ पर ये इंसान वो पुराने बर्थ के जैसा आपके साथ देने वाला नहीं होंगे। वो एक ऐसे इंसान होंगे जो बेसिकली आपको साथ नहीं देंगे और आपके साथ ही कुछ ना कुछ, मतलब मिसबिहेव, गलत करना, ऑन एंड ऑफ रहना, रिलेशनशिप को उतना सीरियस नहीं लेना, केयरलेस रहना, इस तरीके से हरकतें आपके साथ करेंगे। क्योंकि उस बर्थ में आप शादीशुदा रहते हुए भी आपके कोई लवर था और आपके जो स्पाउस थे वो ख़राब नहीं था, मतलब ऐसे होता है कि फोर्सेबल मैरिज के बाद स्पाउस टॉर्चर करते हैं, कुछ ऐसे होता है, लेकिन आपके वैसे नहीं था। आपके स्पाउस काफ़ी सपोर्टिव थे और जो आपने किया, मतलब एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपने दूसरे रिलेशनशिप जो बनाए, वो रिलेशनशिप बनाने के वजह से आपको इस बर्थ में जो है उसके लिए एक कुछ कर्मा भुगतना पड़ेगा। आपकी शादी तो होगी उसी इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते हो, लेकिन वो इंसान के साथ शादी आपके टिक नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक, और अगर टिक भी गया तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगे। क्योंकि उस बर्थ में आपके जो स्पाउस थे वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता था और आप somehow फोर्स मैरिज के वजह से, या आपने उसे आखिर तक, मतलब अपने अपने आप में एक सिक्का नहीं कर पाए, तो उस वजह से वो इंसान आपसे अलग हुआ था, ना कि वो कोई फ्रॉड थे या आपको टॉर्चर करता था। तो इसीलिए उसके जो कर्मा है, एक कर्मा आपको भुगतना ही पड़ेगा, और वो इंसान भी आपके लाइफ में है जिस इंसान के साथ आपके बेसिकली एक कनेक्शन पास्ट लाइफ में आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन थे, तो वो भी इंसान आपके इसी लाइफ में है, और वो भी इंसान आएगा, आपके खुल के आएंगे जब आपके इस इंसान के साथ इधर तो शादी हो जाएगी और उसके बाद आपको पता चलेंगे कि नहीं, ये शादी ठीक नहीं रहा है या इसमें सेपरेशन होना ज़रूरी है, ये ठीक नहीं है, तब वो उस इंसान के साथ आपके एक रिलेशनशिप शुरू होगी। या वो इंसान ऑलरेडी है और आपके लाइफ में ऐसे एक नर्सिसिस्ट टाइप एक रिलेशनशिप चल रहा है या टॉक्सिक रिलेशनशिप एक चल रही है, और थोड़ी दिन में आपको पता चल जाएंगे कि वो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जब आप काफ़ी ज़्यादा कर्मा के आपके बैगेज क्लियर कर लोगे, जब बहुत ज़्यादा आपके वो सफरिंग हो जाएंगे, तब जाके आपको, जब आप उस इन रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे,
तब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन ही ना कर पाओ और उसी इंसान को शादी कर बैठो जो आपके लवर है। वो पास्ट लाइफ में तो आपके ट्रू लवर था और बहुत अच्छा रिलेशन थे, लेकिन इस लाइफ में आप दोनों कोई कर्मा के बैगेज लेके आए हो, क्योंकि इस लाइफ में आपके साथ उनके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। इस लाइफ में उल्टा आपके साथ बॉन्डिंग उनके स्ट्रांग है जिसे आपने पास्ट लाइफ में दिल से नहीं मान पाए थे। तो ये है आपके पास्ट लाइफ की स्टोरी, और मैं आपको देखती हूँ कि आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है यूनिवर्स के तरफ से, और फिर चलेंगे जिन्होंने चॉइस करा है रोज क्वार्ट्ज़ के हार्ट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बाप रे बाप क्या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मैं कभी कभी सोचती तो हैरान हो जाती हूँ कि यूनिवर्स किस तरीके से प्लान करते हर चीज़। फियर्स आर नॉट फैक्ट्स, ऑफ्टन दे आर जस्ट स्केयरी थॉट्स और फीलिंग्स। इंस्टेड ऑफ जजिंग योर फियर, इनवाइट देम टू टी, ऑफर देम अ कुकी एंड हैव अ चैट, लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। व्हेन यू वी आर करेजियस इनफ टू बी विथ व्हाट स्केयर्स अस, वी रिसीव पावरफुल विजडम। कह रहा है कि जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, वो विजडम के साथ करें। और कोई भी चीज़, जैसे कि आपके पार्टनर जो आप भी है, जो करेंट पार्टनर है, या जिसके जिसके बारे में आप सोचते हो या जिसके ऊपर क्रश है, उसको सोच सोच के अगर आप ये सोचते हो कि वो चला जाएगा या वो चली जाएगी, और मैं अगर इसे छोड़ दिया तो कभी वापस नहीं आएंगे, और इस तरीके के सोच के अगर आप कोई डिसीजन लेने से कतरा रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो। आपको डिसीजन लेना चाहिए। फियर में, एक वरी एक फियर में आप अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ये सोच के कि वो चला जाएगा तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी और मुझे कौन देखेंगे और मैं शायद बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, वो फियर को आप हटा के आप अपने आप के साथ डील करें कि अगर अकेले भी है तो क्या कोई इंसान अकेला नहीं रहता है, क्या कोई इंसान अकेले अकेले लाइफ नहीं जीता है। तो इस तरीका से अपने अंदर कुछ चीज़ों को पैदा करें और उस चीज़ों को फ्लरिश करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे कोई इंसान जिसके साथ आप रहोगे तो आगे के टाइम में आपके सेपरेशन हो सकते हैं या लाइफ अच्छा नहीं गुजरेंगे। उस इंसान के साथ रहने की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अकेले रहने की फीलिंग्स जो है वो काफ़ी बेहतर है। और जज मत करिए, किसी भी इंसान को जज मत करें, क्योंकि आपके जजमेंटल जो थिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप जज बहुत करते हो। तो लोगों को जज करना बंद करें, क्योंकि हमें अपने आप को पहले जज करना होता है। तो यही है आपके आज के रीडिंग, और यहाँ पर ही ये रीडिंग कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे आपके लिए जो लोगों ने चॉइस करा है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट या पिंक कलर के हार्ट, और उनके देखेंगे कि रीडिंग क्या आ रही है। ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, और इस हार्ट को मैं साइड करूँगी और रोज क्वार्ट्ज के हार्ट देखेंगे कि रोज क्वार्ट्ज के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग क्या आती है, क्या है आपके बारे में। आपके पास लाइफ के कार्ड उठाने से पहले मैं आपके बारे में कुछ बता दूं, जिससे आपको पता चले कि आप ही के बारे में बात हो रही है। तो पहली बात है कि आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे वो है ए एल बी ई, ए एल बी ई, ये बहुत ज़्यादा मतलब सामने आ रही है, यू ए एल बी ई यू वी एंड Q, M, C, and D, and I, and K, and J,
इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप अपने सिस्टर या सिस्टर जैसा कोई है जिसके साथ बहुत क्लोज है, क्लोज हो, हर बात शेयर करते हो। वाइट या पिंक आपके फेवरेट कलर है, या इसी कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। फुटबॉल देखना या क्रिकेट मैच देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या वॉलीबॉल या उस तरीका के NBA वगैरह के फ़ैन हो। आप टी लवर हो, कॉफ़ी लवर नहीं हो, हमेशा अपना टी बनाना और पीते रहना, और मॉर्निंग टी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मॉर्निंग टी के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। फ़िश लवर हो, इधर एक्वेरियम में फ़िश रखे हुए हो या फिश आप देखते रहते हो, इस तरीका के है। JK ये सारे बहुत आ रही है। आप बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हो, इधर तो खुद बनाते हो या खुद डिज़ाइन करते हो, तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपके पास है और आप खुद ही उसके डिज़ाइन करके बनाते हो, दिमाग लगाते हो, और ये सारे आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और एक चीज़ है जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप नेचर लवर हो, नेचर के साथ, लीव्स के साथ कनेक्शन होना, नेचर में थोड़ा घूम फिर के आना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं। आप नेचर लवर हो, अगर आपको कोई वाइन डाइनिंग या जैसे डाइनिंग में लेके जाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, ख़ास करके नाइट में, डिनर में कोई अच्छे रेस्टोरेंट में कोई लेके जाते हैं, जैसे कि वाइन एंड डाइन होते हैं, उस तरीका के डिनर करना आपको पसंद है और वही आपके टर्न ऑन पॉइंट है। और आपके पास बहुत सारे ब्रांडेड सनग्लासेस है, ब्रांडेड सनग्लासेस या ब्रांडेड वॉचेस, ये है नंबर 6 के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है आपके 6, 24 एंड 15 आपके हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, या 6, 24 एंड 15 में से आपके घर के नंबर, या इस तरीका के नंबर 6 के साथ, या 6th मंथ में बर्थ हुआ है, या नंबर 6 PM 6 AM ऐसे कुछ इसके साथ आपके कनेक्शन है। तो यही है आपके बारे में सब कुछ, और क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। तो आपको शायद पता ही चल गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में या किसी और के बारे में। इनमें से कुछ है जो मैंने खुद लिखा था, क्योंकि मुझे खुद वैसे स्पिरिट ने दिया था गाइडेंस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बेसिकली पास लाइफ क्या था। तो पास लाइफ में आप हो सकते हो कि डॉक्टर थे और बिजनेसमैन थे, सोल्जर थे, या इकोनॉमिस्ट थे पास लाइफ में। और आपके फेथ था कैथोलिक फेथ, मतलब कैथोलिक क्रिश्चियंस थे आप। और आपके जो है, आपके बेसिकली आपके बर्थ हुआ था 1700 या 1800 में। स्पिरिचुअलिटी में आपके बहुत ज़्यादा विश्वास था, और नेचर या यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास थे आपके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ था। और लंदन या UK के साइड में या यूरोपियन कंट्री में आपके बर्थ हुए होंगे। और चाइल्डहुड में आपका स्टोरी ये था कि चाइल्डहुड में आप जो है, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थे, और ट्रॉमा मतलब आपके साथ हुआ था ट्रॉमेटिक सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर थे, जिनके साथ आपके लव अफेयर था, वो मार्शल आर्ट सिखाते थे, या कोई सोल्जर था, या कोई ऐसे एथलेटिक्स थे, या कोई इस तरीका के स्पोर्ट्स में था, तो इस तरीका के कोई ना कोई वॉरियर थे, या नेवी में थे, या सोल्जर में थे, इस तरीका के था। और डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपको स्लेवरी भी करना पड़ा। मैं देख रही हूँ कि आप स्लेवरी भी किया है, और काफ़ी दिन, या आपके साथ ऐसे कुछ सिचुएशन था कि आपने किसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया, कोई राइट्स के लिए आवाज़ उठाया, और आपको जेल जाना पड़ा। तो आप एक लीडर भी थे, एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर था। आपके सिबलिंग्स थे काफ़ी सारे, 2-4-5 भाई थे, और जो भाई बहन थे, और वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आपके जो स्पाउस है, वो अर्ली एज में उनके डेथ हो गया था, तो अर्ली एज में डेथ हो गए थे, तो फिर आपने आपने दूसरी शादी भी की,
एक नहीं आपके दो दो शादी था तो दूसरे शादी भी की, और जो जिनसे आपने शादी किया था तो वो नॉर्दर्न यूरोप के थे और वो एक एथलेटिक्स था और उनके साथ आपके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, मतलब उनके साथ आपके कनेक्शन एथलेटिक्स या आर्मी में थे वो या सोल्जर में से थे तो उनके साथ आपके बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, फिजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, पर्सनल मेंटली या आपके लव रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, आपके सिबलिंग्स काफ़ी आपको हेल्प करता था। लेकिन आपके जैसे कि मैंने देखा कि कई बार आपने लीडरशिप क्वालिटी के चलते हुए लोगों के खिलाफ बोले, कुछ भी बोला, तो आपके जो डेथ था ना वो फायर के वजह से हुआ था, आग लग गए थे कहीं पर और डेथ हो गए, तो वो क्यों हुआ था, क्या किसी ने प्लान किया था वो नहीं पता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा अच्छा कर्म करके रखे हो, आपने अच्छे सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, या कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन थे जो सच या रिलीजन के साथ मिलके कुछ, मतलब अपने रिलीजन के लिए आवाज़ उठाए या अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए और उनको लीड करे, तो ये आपके कहानी है। अब इस कहानी का देखेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, इस कहानी का एक्चुअल स्टोरी क्या है, मैं दूसरा कार्ड निकालूंगी। तो इस कहानी के साथ इस बर्थ में आपके क्या कनेक्शन है, जो भी आपने अपने कम्युनिटी के लिए किया है, देखो कम्युनिटी का आ गया, इस बर्थ में आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेंगे, आपके पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगी, अगर आपकी शादी नहीं हुआ है वो दूसरे सिटी के होंगे लेकिन आपके साथ उनके रिलेशनशिप काफ़ी गहरा रहेगा और मुझे लगता है कि इंटरनेट के द्वारा ही मिलेंगे या इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, और आपके आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी ऑलरेडी हो या आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक टाइम आएंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा, ये सारे गाड़ी वगैरह सब कुछ रहेगा और आप ट्रैवलिंग भी करोगे दूर दूर जगह तक, और बहुत अच्छी पोजीशन होना, बहुत अच्छा कैरियर के मतलब रहना, और आपके इस लाइफ में एक वेल्दी मैन के साथ, जो बेसिकली एक सिर्फ एक गुड लुकिंग मैन या वुमेन नहीं है, जिनके पास पैसा भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा नाम है, फेम है, उनके साथ आपके शादी होंगे, क्योंकि आप थे एक लीडर और आपने कई लोगों को लीड किया है, इवेंचुअली आपने बहुत लोगों को लीड किया है और बहुत लोगों के लिए अच्छा किया है और बहुत लोगों ने आपके वजह से अपने लाइफ जिया है उस दौरान, आपके डेथ भी हुआ था इसी सारी कॉन्स्पिरेसी के वजह से, क्योंकि आप लीड कर रहे थे लोगों को, सच्चाई के रास्ता दिखा रहे थे, आपने कास्ट के लोगों को, आपने कम्युनिटी के लोगों को, आपने बेसिकली कास्ट नहीं बोलूँगी, आपने कम्युनिटी के लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको आप लीड करते थे और सच्चाई के रास्ते एक अच्छे ने एक रास्ता दिखाया, तो इसीलिए गॉड जो है वो आपको इस बर्थ में छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं कि आपके साथ शादी हो रही है जिसके वो लड़का या लड़की काफ़ी वेल्दी, काफ़ी पैसा, काफ़ी रिच रहेंगे, काफ़ी ख्याल करने वाला, देखभाल करने वाला, अगर आपकी शादी हो गई है तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे तो आप कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट करो, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रही है और आपके पास वेल्थ भी रह रहे हैं, आपके पास एजुकेशन, घूमना फिरना बाहर फॉरेन कंट्री, ट्रैवल करना, फैमिली लेके खुश रहना, और प्रिविलेज लेडी, मतलब एक ऐसे आपको मौका मिलेंगे कि जहाँ पर आपको पूरे के पूरे दुनिया जो है रिस्पेक्ट करेगा, तो इस तरीका के आपके ऑनर भी है, आपके पास रिस्पेक्ट भी है, आपके पास सब कुछ आपको मिल रही है, और ये इसलिए क्योंकि आपके सेक्रीफाइस था, पास्ट लाइफ में आपने कितने लोगों को लीड किया, इतने ट्रॉमा होने के बावजूद भी आपने बहुत कुछ अच्छा किया इसी के वजह से। अब देखते हैं कि आपकी शादी एक्चुअली सोलमेट से होंगे कि नहीं। गो अहेड एंड मेक रम क्वेश्चंस, रिलीज योर एक्स। ये आप अपने सोलमेट को अभी जाने नहीं हो, आप जानने वाले हो ज़्यादातर केसेस में, जो शादीशुदा है वो उनके अलग है, लेकिन आप अपने सोलमेट को अभी जाने नहीं हो, जानते नहीं हो, मतलब आपके साथ उनके मुलाकात नहीं हुई है और होने वाला है आपके साथ उनके मुलाकात, और जल्दी ही हो जाएगी आपके उनके मुलाकात, और डेफिनेटली आपके आपको बोला जाए कि आपके एक्स को रिलीज़ करें, जो भी एक्स है आपके उन्हें रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके सोलमेट आएगी और आपके साथ या आएगा और आपके साथ शादी हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल मैरिज, वेल्थ है आपके पास, लग्जरी है, ट्रैवलिंग करोगे, बहुत अच्छे अच्छे जगह घूमोगे, सब कुछ अच्छा है।
अगर अभी तक जो भी प्रॉब्लम हुआ है आपके एक्स को लेके या आपके पास लाइफ को लेके जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वो उससे आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट 6 months to 1 year के बाद आप देखना आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, खास करके जिस वक्त से आपके सोलमेट का एंट्री होंगे आपके लाइफ में। तो यहाँ पर तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आया है, बहुत अच्छा चीज़ बोल आया है। तो डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 9/18/1927, 1/10/1928, 5/23/14, 3/30/21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है, इधर आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो मैच होंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आपको पास्ट लाइफ के जो रीडिंग है वो पसंद आया होगा। अगर आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखें और वीडियो के कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखें। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।